जय हिंद मैडम सर। मैडम सर ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इट्स ओके पुष्पा जी, लाइफ है, होता है। हर कदम पर कोई ना कोई इम्तिहान तो सभी को देना पड़ता है। पर घबराइए मत, सच एक दिन सामने जरूर आएगा। मगर कब आएगा सामने? पुष्पा जी, जिस तरह से झूठ के पांव नहीं होते ठीक उसी तरह सच के भी पंख नहीं होते जो अपने आप उड़कर आ जाए। उसे लाना पड़ता है पकड़कर, ढूंढकर, और सच एक न एक दिन सामने हम लेकर आएंगे। जय हिंद। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। बदनाम चाय दे। बदनाम भाई, करिश्मा मैडम का मूड ऑफ लग रहा है ना? एकदम सही बोले, हमको भी वैसे ही लग रहा है। जाओ जाओ पूछो, और चाय बहुत बढ़िया बनायो, मिलावट ठीक हो जाएंगे। सच्ची मुच्ची कितना अच्छा। जाओ जाओ। मैडम जी, 2 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं आपका मूड खराब है। और खराब करना है? नहीं मैडम, और क्यों खराब करेंगे हम। आपके लिए गर्मा गर्म अदरक कुटी चाय लेकर आया हूँ, एक बार पीजिए मैडम। आपका मूड फ्रेश नहीं होगा तो कहिएगा। हाँ मैडम पीजिए ना, अच्छी बनी है, पीजिए। ये तुम्हारा स्पेशल चाय है। इतना बकवास चाय के लिए ना तुमको लाल कपड़ा बना के सांड के सामने छोड़ देना चाहिए। अदरक है इस चाय में, अदरक का अभी फील नहीं हो रहा, ऐसा पत्ता पत्ता मुंह में आ रहा है। ये मीठा डालो तुम इसमें। मीठे के नाम पे चाय को क्या सिर्फ मीठा का फोटो दिखा दिए थे तुम? क्या मीठा है इसमें बताओ? अरे मैडम मैडम मैडम, अब मत पीजिए प्लीज। आपने एक घूंट भी पी लिया तो हमारा चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। मत पीजिए प्लीज। नहीं मैडम, मारिए इसको। हर रोज ऐसी घटके चाय पिला के हमें टॉर्चर करता है। घूम। चाय बनाएगा। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि करिश्मा मैडम बेचारे बदनाम पे कुछ ज्यादा ही भड़क रही है? क्या हो गया इन्हें? हमें मालूम है क्या हुआ है इन्हें। बहू है हमारी, हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा उन्हें। दिल टूटा है ना, इसलिए तकलीफ सह नहीं पा रही है बेचारी। और गुस्सा वो बदनाम पर नहीं निकाल रही है, खुद पर निकाल रही है। दिमाग तो मान रहा है हसीना मैडम गलत है, मगर दिल कैसे माने कि मैडम भी कभी गलत हो सकती है। दिल की बात किसी से करती नहीं है, तो इसलिए आसपास की चीजों पर ऐसे ही गुस्सा निकालती रहती है, यहाँ तक कि हमारे लल्ला को भी नहीं छोड़ती। सब जानते हैं हम किसका गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, कौन धोखेबाज है, मगर गलत तो आप है, और वो भी शुरू से। और मैडम सर निर्दोष है। देखिए पुष्पा जी, अगर आपको हमें ज्ञान देना है तो आप घर जाके दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सीनियर हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ नहीं जानती अब, और जो कुछ भी जानती है ना वो गलत जानती है। हम गलत जानते हैं, हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर वो फेक हसीना से मिली हुई है। हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर ने हम सबको धोखा दिया है। ये गलत जानते हैं हम पुष्पा जी। तो फिर आप बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है हमें गलत साबित करने का? बताइए। है, हमें सबूत मिल गया है मैडम सर की बेगुनाही का। सनी आता ही होगा सबूत लेकर। लो आ गया। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं इसी केस पे काम कर रहा था संतोष जी। इनफैक्ट इस केस की जड़ तक जाने के लिए मैं 4 स्टेट्स के चक्कर लगा के आ रहा हूँ संतोष जी। सनी, इस देश में ना 29 स्टेट है, तो हम क्या कहते हैं, इस केस की जड़ तक पहुँचने के लिए ना लगे हाथ बाकी स्टेट भी घूम कर चले आओ ना, यहाँ पर थोड़ा शांति रहेगा। इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है जीते। तू तो कुछ करता नहीं, मुझे तो करने दे, है ना संतोष जी? हम कुछ नहीं करते पुष्पा जी। मुद्दे पर आओ ना तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मैडम, तो ये तरीका है फेक हसीना के काम करने का। ये देखिए मैडम, ये वो फुटेजेस हैं, और ये देखिए ये फेक हसीना पैसे लेते हुए। नए नए शहरों में जाती है और उनके ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की छवि चुराती है और वो नाम यूज करके लोगों को ठगती है। पुष्पा जी, लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ये नाम इस्तेमाल करती है उन पर शक तो किया जा नहीं सकता। फिर चाहे वो मीनाक्षी जोशी हो या फिर हमारी SHO हसीना मलिक, हर बार नया शहर, नई सोच, नई ठगी और नई पहचान। ये देखिए मैडम, ये वो सारी CCTV फुटेजेस हैं जो मैंने अलग अलग शहर से बरामद किए हैं। अगर आप गौर से देखें करिश्मा मैडम, तो ये जो चक्कर है ठगी का, ये काफी पुराना लगता है। पर अच्छी बात यह है, इससे ये भी प्रूव होता है कि हसीना मैडम का इसमें से कोई भी केस से कोई नाता नहीं है। हसीना मैडम तो खुद इस ठग का शिकार हुई हैं। शी इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। सनी ने तो कमाल कर दिया। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था संतोष जी, आपने अब नोटिस करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल काम नहीं था संतोष जी। अब तो मिल गया सबूत। उम्र देखी है हमने, सही गलत पहचानने की अक्ल हम में भी है। हम हमेशा हसीना मैडम का साथ देते आए हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमारी सीनियर है, इसलिए कि हमारा अनुभव कहता है वो एक सच्ची पुलिस वाली है, ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ पुलिस वाली, जो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे पुलिस अधिकारी के अंडर काम करने का हमें मौका मिला। और आप उन्हीं पर शक कर रही थी? अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा पुष्पा जी। मैं अभी के अभी ये न्यूज पूरे शहर में चलवा दूंगा और चंद घंटों में ये साबित हो जाएगा कि हसीना मलिक बेगुनाह है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे फेक हसीना को पकड़ने के बाद ही करेंगे। पर कैसे मैडम, कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? हाँ मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बिल्लू चंपत। बिल्लू द स्पायर रिपोर्टिंग मैडम सर। टैंग टैंग। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ना फील आता है, माहौल बनता है। मैडम सर, आपने वो नकली हसीना पे नजर रखने को कहा था, तो मैंने अपना पूरा खबरी नेटवर्क हिला के उसके पीछे लगा डाला है। गुड। अगेन बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि डायलॉग में ट्विस्ट आने वाला है। मेरे खबरी ने खबर दी है कि वो नकली हसीना मैडम है ना, वो मलियाबाद के एरिया में है। मलियाबाद? मलियाबाद तो बिल्कुल लखनऊ के बाहर है ना। हाँ बिल्लू, आर यू श्योर? डैम फुल श्योर मैडम। बिल्लू डैम श्योर। ओके, फुल मैं रखता हूँ, डैम आप रख लीजिए, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों मैडम? बिल्लू, वो जो हमने स्केच दिया था तुम्हें, है तुम्हारे पास? मैडम सर, आपने जो नकली हसीना का स्केच दिया है ना, वो हमेशा मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ तो गलती होगी। सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। ये देख, ये देखिए। बिल्लू, एक बात अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे और मेरे बीच का जितना भी डिस्कशन है, ये सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। मैडम सर, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब इस केस के बारे में, नकली हसीना, इस नकली हसीना मलिक को तो हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या? हाँ, ओके मैडम, अंदर की खबर है। हाँ, फेक हसीना मिल गई? नहीं संतोष जी, वो मेरा फ्रेंड सीआईडी ऑफिस में काम करता है, उसी का फोन था। बता रहा था कि डिपार्टमेंट फेक हसीना के केस में सारा का सारा इल्जाम हसीना मैडम पे लगाने वाली, और अगर ये बात सच है तो हसीना मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैडम, बिल्लू जी कहाँ है? बिल्लू जी कहाँ है मतलब? बिल्लू जी आपके सामने खड़े? मेरा मतलब है बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? तो ऐसे पूछो ना, बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? चोक मारा? नहीं। तो बत्तीसी कहाँ दिखा रहे हो? नहीं तो। कहाँ है मैडम सर? पता नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसे पूछो ना। पता है, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं पता है? तो बको ना। हाँ हाँ, बकते हैं ना। वो हसीना मैडम को नकली हसीना मैडम का पता मिल गया तो वो उनके पीछे गई। अरे कहाँ गई है बिल्लू? तो बता ना मत, मैंने बताया। बिल्ला कहाँ गई है? मलिहाबाद। ये लीजिए, ठीक है? हो गया, हो गया। अब जल्दी चलिए, वो जो अभी बाइक पे गई ना, उनका पीछा करना है फटाफट। अरे मैडम, मैं फास्ट नहीं चला सकता, करिश्मा मैडम ने मेरे को मना किया है। अरे करिश्मा मैडम का ही पीछा करना है, चलिए आप। क्या? अगर आप नहीं लेकर जाओगे ना तो करिश्मा मैडम आएगी और दोबारा आपको मारेगी। अब जल्दी सोचो, मार खानी है कि तेज चलानी है? चलिए वापस, इनको मार ही खाना है। रुके रुके, मैं चलता हूँ, चलता हूँ। बिल्लू दस पार, चल निकल। क्या ये सब? देखिए, आप हम पर फ्रॉड का इल्जाम तो वैसे भी पहले लगा ही चुके हैं, अब मर्डर का भी लगाना चाहती हैं। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा फिटिंग ही खराब। दिल की जगह दिमाग है, दिमाग की जगह दिल है हमारा। बिना कुछ सोचे समझे ना हम कुछ भी कर डालते हैं, पूरा बवंडर हो जाता है। जब तक बात को हम समझने का कोशिश करते तब तक बात का चूरन हो जाता है। देखिए ना, इस बार भी कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, आपको गलत समझ बैठे। आशा करते हैं मैडम सर इस बार भी आप अपना बड़प्पन दिखाएंगी और हमें माफ कर देंगे। जी ठीक है, कर दिया माफ। अब प्लीज अपनी बाइक हटाइए, हमें जरा काम से जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ही माफ कर दिया आपने? नहीं, क्या तय हुआ था? कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक शुरू हो जाइए। नहीं नहीं करिश्मा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं। नहीं मैडम साहब, वादा किया था हमने और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। सॉरी मैडम, तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ हमें चोट से नहीं, किसी अपने से चोट लगने पर होती है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि हमारे ख्यालातों में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, आप हमारी कद्र करती हैं। माफ किया आपको। चलिए प्लीज, आप तो ये बाइक हटा दीजिए, हमें जाकर केस सॉल्व करना है। मैडम सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कहाँ जा रही हैं और आपको एक बात बता दें कि हम सब आपके साथ हैं और आपको निर्दोष साबित करने के लिए जो बन पड़ेगा कर डालेंगे। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर कल तक हमने नकली हसीना को नहीं पकड़ा तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में जिम्मेदार ठहराएगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। अरे पर इतना जल्दी हम लोग कैसे क्या करेंगे पुष्पा जी? आप करेंगे चीता, अब जो कुछ भी करेंगे इन्हीं चंद घंटों में करेंगे। मैडम सर, आई ट्रस्ट यू। आई, आप जब भी ऐसे स्माइल करते हो ना, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है। प्लान है ना? संतू, गड्ढा। हाँ देखा मैंने, तू उसे बचाना होता है गाड़ी को। हाँ पुष्पा जी, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला देखा था इसीलिए। तो दाया हम देखें। हाँ, ये हसीना मलिक मुझे मिल जाए ना तो मैं उस नहीं, नकली हसीना मैडम मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे पहले तो अपने 2000 रुपए वापस लूंगा, उसके बाद में सारी बातें। कैसा आदमी है रे बिल्ला, तुम कैसा आदमी है? तू फेक हसीना मलिक पूरा यहाँ थाना का नींद खराब कर रखी है। तुम हो कि वहाँ पर तुमको 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। नींद कैसे ले? इसलिए 2000 रुपए ले रहे क्यों पुष्पा जी? बिल्लू, हमें कुछ नहीं कहना और तुम भी चुप रहो। संतु, क्या है ये? पुष्पा जी, आपने बताया नहीं लेफ्ट में गड्ढा है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? एक तो वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस नकली हसीना मलिक को पकड़ेंगे कैसे। हमारे हाथ आ गई ना एक बार पुष्पा जी, वो हाल करेंगे ना उसका कि मुंह से उसकी कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पटूसा ना देखा। नहीं करिश्मा सिंह, हम सबको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम पुलिस वाले हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जी मैडम सर। लेकिन मैडम सर, बिना पते के हम उसे मलिहाबाद में ढूंढेंगे कैसे? पुष्पा जी, एक बार बस मलिहाबाद पहुंच जाए, फिर वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ संतू, आप पेपर देखो, मेरे पास गाड़ी की पेपर है सर। ये पेपर नकली है सर। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपको गलत फहमी हो रही सर। एक बार आप पेपर फिर से चेक करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझको पेपर देखना नहीं आता है? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैडम सर, मैं देख कर आती हूँ। पुष्पा जी। यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, प्लीज जाइए इसके साथ। जी मैडम। थाने में ले जाकर इतना मगड़ मारेंगे कि पेपर पढ़ना लिखना सब सीख जाएगा। अगर तू हमको कुछ देना चाहता है तो फिर टेढ़े बाड़े में सोच सकता हो। अरे वाह, वेरी गुड। निकाल पैसा निकाल। जान सकते हैं ये क्या चल रहा है? दिन दहाड़े आप लूट मचा रहे हैं। अरे आपको पता है ये मोटरसाइकिल चोरी की है, जुर्माना तो लगेगा ना? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप पेपर देख लीजिए मैडम, मेरे पास पेपर है। दिखाइए। पेपर्स तो असली है। भाई साहब आप जाइए ना, आप जाइए। धन्यवाद मैडम, आपने तो बचा लिया। ये तो लूट रहे थे हमें। अब आपके चक्कर में मेरी बाइक भी नहीं चालू हो रही है। अरे ऐसा कौन सा पुलिस का ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किसी भी बेवजह इंसान को ऐसे परेशान करना है? अच्छा, तो आप हमको पुलिस गिरी सिखाएंगी? वैसे आप हैं कौन? हम कौन हैं? हाँ। बताएं तुमको हम कौन? हसीना मैडम ने कहा है अपनी पहचान छुपा के रखें। देखिए आप पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। वही तो हम नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो? मतलब ये कि हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो सामने है ना बैंक, उसके सामने गली के अंदर थाना है, जाओ उधर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दो। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, अभी तुम्हारा वर्दी उतरवाते हैं हम। वर्दी उतरवा दीजिए, मेरे पास एक और वर्दी है वो पहन लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। एक्सक्यूज मी, आपके कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। ठीक है, आप 2000 रुपए जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। एफआईआर लिखानी है मुझे, पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म भरने नहीं आई हूँ मैं। एफआईआर लिखवाने के ही तो पैसे हैं, इसे सर्विस चार्ज कहते हैं। अच्छा, तो आप भी घूसखोर हैं। आपकी सीनियर कहाँ है? आपकी सीनियर से मैं कंप्लेन करूंगी। क्या नाम बताया आपका? दिखता नहीं है। संतोष शर्मा। आप अपनी सीनियर को बुलाइए। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये जो आपकी जूनियर है ना, वो एफआईआर लिखवाने के पैसे मांग रही है। हाँ तो फ्री में कौन सा काम होता है? देखिए टॉयलेट जाने के भी 5 रुपए लगते हैं, हमें भी तो अपना घर चलाना है। हे भगवान, आप पुलिस होकर गैर कानूनी काम करती हैं। हम आपके खिलाफ भी कंप्लेन करेंगे। आपका नाम क्या है? जिसको लिखवानी है उसको कंप्लेन लिखवा दीजिए। हमारा नाम पुष्पा सिंह है। भसड़ लगा रखा है यहाँ पे, क्या नौटंकी चल रहा है? अपने भौकाल पे आए ना हम तो ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आवाज नीचे। आवाज नीचे। कहा है ना कि अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गया ना तो वो हाल करेंगे कि इक्को ही बात निकलेगी कि दरोगा देखा पर कोई तुमसा ना देखा। करिश्मा सिंह नाम है मेरा, अपनी खोपड़ी में डाल लो।